Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So, this is the first time that we are doing something different on this channel. So, for the first time, we'll be reacting to a video, to a movie scene, which is like one of my favorite movie scenes from a movie. The name of the movie is X-Men: The Days of Future Past. 3 minute ka scene hai. And this particular scene is like one of my best scenes that I've ever watched. In any movie for that matter. और ये मेरा favorite scene है and जल्दी आपको पता लगेगा कि why this scene is one of my favorite movie scenes. तो यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा एक premise मैं बता देता हूँ आपको. जो X-Men Days of Future Past है, ये movie है X-Men एक पूरी franchise की. इसमें यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सीन है, यहाँ पे हो क्या रहा है, दो सिनेरियोस चल रहे हैं. एक है जो कि प्रेजेंट डे सिनेरियो है, एक है जो कि पास्ट का एक सिनेरियो है. जो प्रेजेंट डे सिनेरियो है, इसमें जो म्यूटेंट्स हैं, जो कि एक्समैन है, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. सेंटिनल प्रोग्राम बनाया गया था पास्ट में, जिसके तहत कुछ ऐसे क्रिएचर्स बनाए गए हैं जो कि एक्समैन की पावर्स को लेकर के, उनकी उन्हीं की पावर को यूज करके उनके अगेंस्ट में लड़ते हैं और उनको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे करके. तो यहाँ पे ये कुछ ही म्यूटेंट्स बचे हैं जो कि साथ में हैं इस टाइम पे, जहाँ पे कि आप देख सकते हो चार्ल्स एक्जेवियर का जो कैरेक्टर है वो भी बूढ़ा हो गया है. वहाँ पे एरिक लेंचर का कैरेक्टर है जो कि मैग्नीटो है, वो भी बूढ़ा हो गया है. और बहुत सारे और भी वहाँ पे म्यूटेंट्स हैं, वो सारे एक जगह पे हैं एंड समहाउ दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम सेंटिनल्स. और उनको पता है कि सेंटिनल्स जो हैं वो आने ही वाले हैं उनको मारने के लिए. सो दिस इज लाइक द लास्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइव्स दैट दे हैव विद ईच अदर. तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि अब हमारे पास में एक ही सॉल्यूशन है, अगर हम यहाँ से अपनी प्रेजेंट डे सिनेरियो में से किसी को भेजे पास्ट में, और पास्ट में वो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट था जिसके अंदर सेंटिनल प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी, उस एक्शन को, उसको अगर हम रोक सकें, तो ये जो पूरी चेन ऑफ एक्शन है जो कि अब इस प्रेजेंट डे में आकर के होने को है, वो वहीं पे रुक जाएगी और ये जो कुछ भी हो रहा है ये नहीं होगा. दैट मींस म्यूटेंट्स एक्सटिंक्ट नहीं होंगे इस दुनिया से. सो पूरा प्रमाइस इस सीन का ये है. और फाइनली ये डिसाइड होता है कि आउट ऑफ ऑल द म्यूटेंट्स वुल्वरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. तो वुल्वरीन को वापस भेजा जाता है पास्ट के अंदर, और उसका इकलौता काम जो है वो ये है कि वो पास्ट में जाकर के चार्ल्स एक्जेवियर की यंगर सेल्फ को से मिले, उसके पास में जाए और उसको समझाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उस सेंटिनल प्रोग्राम की वजह से, कि वो यंग चार्ल्स एक्जेवियर के पास में जाए पास्ट में और उसको ये विश्वास दिलाए, ये उसको बताए कि उसको, यानी कि वुल्वरीन को, फ्यूचर से चार्ल्स की ही फ्यूचर सेल्फ ने भेजा है पास्ट में, ताकि उस सेंटिनल प्रोग्राम को, वो जो भी प्रोग्राम होने वाला है, उसको वहीं पे रोका जा सके. ये वुल्वरीन को काम दिया गया है और वुल्वरीन यहाँ पे पहुंच गया है फाइनली. बहुत कन्विंस करने के बाद में फाइनली ये सीन आता है जहाँ पे कि वुल्वरीन जो है चार्ल्स एक्जेवियर को बोलता है. चार्ल्स एक्जेवियर जो है बेसिकली ये जो कैरेक्टर है, इसकी जो सुपर पावर है वो ये है कि ये माइंड को रीड करना जानता है और कि दूसरे के माइंड को पढ़ सकता है, उसकी मेमोरीज को और उसकी सारी चीज़ों को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकता है उसके माइंड में घुस करके, और कंट्रोल भी कर सकता है. तो यहाँ पे जब सेरिब्रो से भी वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा है चार्ल्स एक्जेवियर, सेरिब्रो एक सिस्टम है जो कि हैंक ने बनाया है. हैंक एक और कैरेक्टर है मूवी के अंदर जो कि थोड़ा साइंटिफिक नेचर का है. उसने एक पूरा एक सिस्टम बनाया, एक हैट है एक तरीके की, जो कि ब्रेन वेव से कनेक्ट हो जाती है चार्ल्स एक्जेवियर की, और वो एक जगह पे बैठे बैठे सारे जो है म्यूटेंट्स ऑल ओवर द ग्लोब उनको देख सकता है, उनकी लोकेशंस को ट्रेस कर सकता है. तो उसके थ्रू भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके थ्रू वो नहीं पता लगा पा रहा है उसका, किसका, मिस्टीक का. बिकॉज मिस्टीक इज द वन, मिस्टीक का जो कैरेक्टर है जो कि रेवन का कैरेक्टर है, उसी के कैरेक्टर को पकड़ करके, उसी के जीनोम को लेकर के, उसके जीन्स को लेकर के ही एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है सेंटिनल्स का. और वही एक मेन इंसिडेंट है जिसको कि इनको रोकना है. तो वो यहाँ पे सेरिब्रो के थ्रू ढूंढने की कोशिश करता है चार्ल्स एक्जेवियर, बट उसको नहीं मिल पा रहा है. फाइनली यहाँ पे जो अपना वुल्वरीन है वो चार्ल्स एक्जेवियर को बोलता है कि मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो,
उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली में चीजें है क्या। तो दिस इज द सीन, यहाँ पे फाइनली जो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा ये स्टोरी नरेट की है, ये फाइनली अब यहाँ पे आकर के रुकती है और यहां से स्टार्ट होती है। तो दिस इज इट, यहाँ पे चार्ल्स एक्जेवियर, यंग चार्ल्स एक्जेवियर जो है वुल्वरीन का ब्रेन को, उसके ब्रेन को पढ़ने की कोशिश कर रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है कि रियलिटी क्या है। सो दिस इज इट। तो अब उसकी मेमोरी के थ्रू जो यंग चार्ल्स एक्जेवियर है वो प्रेजेंट में आ गया है ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली यहां पे हो क्या रहा है। दिस इज यंग चार्ल्स एक्जेवियर और ये जो है ओल्ड चार्ल्स एक्जेवियर, प्रेजेंट डे चार्ल्स एक्जेवियर। और ये जो दूसरा खड़ा है पीछे, ये चार्ल्स का बहुत अच्छा दोस्त एरिक लेंचर मैग्नीटो। तो ये काइंड ऑफ पास से आया है सिर्फ देखने के लिए उसकी मेमोरी के थ्रू। दिस इज प्रॉब द फर्स्ट टाइम व्हेन द यंग चार्ल्स इज मीटिंग हिज फ्यूचर सेल्फ द ओल्डर चार्ल्स एक्जेवियर। चार्ल्स, सो दिस इज व्हाट बिकम्स ऑफ अस। एरिक वाज राइट, ह्यूमैनिटी डज दिस टू अस। इस पे हम बाद में आते हैं। सो यहाँ पे जो यंग चार्ल्स एक्जेवियर है वो सब कुछ देख करके ओल्डर चार्ल्स एक्जेवियर से वही बात बोलता है जो कि एरिक लेंचर, एरिक लेंचर जो अभी मैंने दिखाया है जो कि ओल्डर कैरेक्टर है वो पीछे खड़ा है। तो एरिक लेंचर जो है हमेशा से एक पैसिमिस्टिक कैरेक्टर था, ही वॉज ऑलवेज पैसिमिस्टिक टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स। और वो हमेशा से ये मानता था दैट ह्यूमन बींग्स एंड म्यूटेंट्स कैन नॉट लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि जैसे ही ह्यूमंस को इस चीज का अंदाजा लगेगा कि म्यूटेंट्स जो है थोड़े पावरफुल हैं उनसे या थोड़े अलग हैं, तो एक डेंजर उनको जो है महसूस होने लगेगा और वो डेंजर जो है एग्रेशन में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एरिक लेंचर जो है हमेशा से ये मानता था कि ह्यूमंस कभी भी हमारे साथ में नहीं रह सकते और वी आर दी फ्यूचर सेल्फ, हम जो है फ्यूचर रेस है, मोर इवॉल्व्ड रेस है और सिर्फ हमें ही हक है रहने का और हमें सारे इंसानों को मार देना चाहिए। दिस इज व्हाट एरिक लेंचर यूज्ड टू बिलीव ऑल दिस वाइल। तो यहाँ पे यंग चार्ल्स एक्जेवियर जो है ओल्डर चार्ल्स एक्जेवियर को यही बोल रहा है उस मोमेंट का सीन देख करके दैट एरिक वॉज राइट, दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी डज दिस टू अस। एरिक वॉज राइट ह्यूमैनिटी डज दिस टू अस। और यहाँ पे जो ओल्डर चार्ल्स एक्जेवियर है जो कि बस वैसे देखा जाए तो मरने ही वाले हैं, उन पे अटैक होने ही वाला है, बट स्टिल यहाँ पे देखा हम देख सकते हैं जो चार्ल्स एक्जेवियर का कैरेक्टर है वो एरिक लेंचर से बिल्कुल अलग है। चार्ल्स जहाँ पे कि एरिक लेंचर एक पैसिमिस्टिक आदमी है ह्यूमन बींग्स को लेकर के, वहीं पे चार्ल्स एक्जेवियर का ये स्टैंड रहता है शुरू से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट ही वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक विद ह्यूमन बींग्स। वो हमेशा से ही ऑप्टिमिस्टिक रहा है एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड कि ह्यूमन बींग्स एंड म्यूटेंट्स कैन लिव विद ईच अदर इन हार्मनी और पीसफुली हम रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो अपने उसी ऑप्टिमिस्टिक नेचर को शो कर रहा है एंड वी कैन सी द ऑप्टिमिज्म दैट चार्ल्स एक्जेवियर, द ओल्ड चार्ल्स एक्जेवियर हैज इन हिम दैट ही स्टिल बिलीव्स। और यहाँ पे वो वही बोल रहा है जब यंग चार्ल्स ने बोला दैट एरिक वॉज राइट, ह्यूमैनिटी डज दिस टू अस। तो यहाँ पे ओल्डर चार्ल्स जो है वो कहता है नॉट इफ वी शो देम अ बेटर पाथ, नहीं होगा ये सब कुछ अगर हम ह्यूमैनिटी को एक सही रास्ता दिखा सके। और यहाँ पे जो अगेन जो यंग चार्ल्स है वो फिर शॉक में है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद में भी ये अभी भी इसी बात पे बिलीव कर रहा है। You still believe. और ये बहुत अच्छी लाइन है जो कि एक जो कि ओल्ड चार्ल्स एक्जेवियर बोलता है। दोबारा से हम इस लाइन को देखते हैं एक बारी। You still believe just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. Sometimes we all need a little help. ये जो लाइन्स है, these are the lines जो कि मेरे साथ में हमेशा से ही मेरे दिमाग में रही हैं। ये मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी, ये सीन मुझे याद भी नहीं है, बहुत पहले मैंने देखा था
बट ये पर्टिकुलर सीन जो है मेरे दिमाग में बैठा हुआ है उस टाइम से, और स्पेशली ये जो लाइन्स है, जस्ट बिकॉज समवन स्टंबल्स एंड लूजेस देयर वे डजंट मीन दैट दे आर लॉस्ट फॉर एवर, समटाइम्स वी ऑल नीड अ लिटिल हेल्प, कि सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान कुछ टाइम के लिए रास्ता भटक गया है या अपने रास्ते से अलग हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा के लिए अपने रास्ते से भटक गया है। समटाइम्स वी ऑल नीड अ लिटिल हेल्प, कभी कभी हम सबको थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है। दिस इज वट ही इज ट्राइंग टू टेल द यंगर चार्ल्स एक्जेवियर, कि सिर्फ ह्यूमैनिटी जो है अपने रास्ते से कुछ टाइम के लिए भटकी है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए अपने रास्ते से भटक गई है। हर किसी को कभी कभी मदद की जरूरत पड़ती है। I open my mind, and it almost overwhelms me. You're afraid, and Cerebro knows. और यहाँ पे जो यंग चार्ल्स है वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि I am not the man that I used to be. I, as soon as I open my mind, it overwhelms me. जैसे ही मैं अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, अपने दिमाग के थ्रू लोगों को, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता हूँ, तो इट ओवरवेल्म्स मी। तो यहाँ पे जो है ओल्ड चार्ल्स एक्जेवियर जो है वो बोलता है यू आर अफ्रेड एंड सेरिब्रो नोज इट। सेरिब्रो वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो पूरा एक जो सर के ऊपर वो पहन करके और वो ब्रेन वेव्स के थ्रू देखते हैं वो सारा सिस्टम। तो यहाँ पे जो ओल्ड चार्ल्स एक्जेवियर है वो ये बोल रहा है दैट यू आर अफ्रेड एंड सेरिब्रो नोज इट, सेरिब्रो को पता है कि तुम डर रहे हो। You're afraid and Cerebro knows it. All those voices. So much pain. जो यंग चार्ल्स एक्जेवियर है उसने उस टाइम पे, जिस टाइम से वो अभी यहां पे आया है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट ही वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच ऑफ हिज लाइफ। वो अपने लाइफ के बहुत बुरे एक दौर से गुजर रहा है, बहुत कुछ उसने उस टाइम पे खो दिया है, और एक वो टोटली एक नाइलिस्टिक विचारधारा का आदमी बन गया है, और बिल्कुल उस वो इस चीज़ को मान चुका है कि शायद कोई मीनिंग नहीं है किसी भी चीज़ में। तो इस तरीके की हालत चार्ल्स की इस टाइम पे थी, और जैसे ही वो अपने माइंड को ओपन करने की कोशिश करता था दूसरों के दुख दर्द को समझने के लिए या दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए, उनके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए, तो इट ऑल यूज टू ओवरवेलम हिम। तो यही बात वो वहाँ पे बोल रहा है कि सो मच पेन, कि जो भी आवाज़ें वो जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, मेरे मुझे सुनाई दे रही हैं दिमाग के अंदर, वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। So much pain. It's not that pain you're afraid of. It's yours, Charles. And as frightening as it may be, that pain will make you stronger. If you allow yourself to feel it, embrace it. It will make you more powerful than you ever imagined. It's the greatest gift we have. यहीं पे रुकते हैं, वापस दोबारा से एक बारी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ पे जो यंग चार्ल्स है वो बोलता है कि all those voices, so much pain, इतना ज्यादा दर्द है उन आवाजों में जो कि मुझे दिमाग में सुनाई दे रही है। तो जो ओल्ड चार्ल्स एक्जेवियर है वो उसको बोलता है इट्स नॉट देयर पेन यू आर अफ्रेड ऑफ, इट्स योर्स। कि वो जो सारी आवाजें तुम्हें अपने दिमाग में सुनाई दे रही हैं, उनकी वजह से जो तुम्हें पेन हो रहा है वो तुम्हारा पेन है, वो उन लोगों का पेन नहीं है। इट्स नॉट देयर पेन यू आर अफ्रेड ऑफ, इट्स योर्स। वो उनका पेन नहीं है जिसको कि सोच सोच करके या जिसको सुन करके तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है, तुम्हें दुख महसूस हो रहा है, ये तुम्हारे ही अपने अंदर का पेन है, जो कि उनका पेन सिर्फ एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट तुम्हारे अपने अंदर के पेन को उजागर करने के लिए, और वो तुमसे झेला नहीं जा रहा। सो इट्स नॉट देयर पेन यू आर अफ्रेड ऑफ, बेसिकली इट्स योर ओन पेन दैट यू आर अफ्रेड ऑफ। इट्स योर्स चार्ल्स, एंड एज फ्राइटनिंग एज इट मे बी, दैट पेन विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। और चाहे ये जो दर्द है तुम्हारा, ये जो अपना दर्द है, ये कितना भी फ्राइटनिंग हो, कितना भी भयानक हो, कितना भी दर्दनाक हो, दैट पेन विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। वो जो दर्द है वो तुमको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगा। If you allow yourself to feel it, embrace it.
वो तुम्हें पावरफुल बनाएगा सिर्फ तब जब तुम उसको फील करो अपने अंदर, व्हेन यू एम्ब्रेस इट, इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू फील इट, अगर तुम अपने आप को अलाउ कर सको उसको फील करने के लिए, उस पेन से भागो नहीं और उस पेन को अलाउ करो, फील करो अपने अंदर, एम्ब्रेस इट, उसको एम्ब्रेस कर सको अगर अपने ही अंदर, तो होगा क्या, इट विल मेक यू मोर पावरफुल देन यू हैव एवर इमेजिन्ड, इट्स द ग्रेट, तुम्हें इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग वो पेन बना देगा जो कि शायद तुमने सपने भी नहीं सोचा है, कभी इमेजिन भी नहीं किया हो। और फिर जो ये लाइंस आती हैं, ये पूरी पूरे सीन का क्रक्स है, ये जो लाइंस है, जो कि अब तीन चार लाइनें अगली आएंगी यहां से, जो अब लाइनें आएंगी, दिस इज लाइफ गिफ्ट वी हैव टू बेयर देयर पेन विदाउट ब्रेकिंग एंड इट्स बोर्न फ्रॉम द मोस्ट ह्यूमन बॉन्ड होप। मैं आज भी जब ये सीन देखता हूँ तो एक गूज़बम्प से मुझे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओल्ड चार्ल्स है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी हैव टू बेयर देयर पेन, इट्स इट विल मेक यू मोर पावरफुल देन यू एवर, यहाँ पे वो उसको बोलता है, इट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी हैव वी ह्यूमंस, फॉर अस इट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी हैव टू बेयर दैट, टू बेयर देयर पेन विदाउट ब्रेकिंग, कि हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं बिना अपने आप को तोड़े हुए या बिना खुद टूटे हुए, हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। दिस अबिलिटी ओनली वी एज ह्यूमंस हैव, नो अदर ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, इन द प्लैनेट, नो अदर क्रिएचर्स इन द प्लैनेट हैज दैट पर्टिकुलर पावर, इट्स द गिफ्ट दैट वी हैव बीन बेस्टोड विद, ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी हैव टू बेयर देयर पेन विदाउट ब्रेकिंग, एंड इट्स बोर्न फ्रॉम The most human bond. और ये जो अबिलिटी है दूसरों के दर्द को झेल पाने की बिना खुद को तोड़े हुए या बिना खुद टूटे हुए, ये जो है, इट हैज बॉर्न फ्रॉम द मोस्ट ह्यूमन पावर, इट्स बॉर्न फ्रॉम द मोस्ट ह्यूमन पावर, होप, और वो ह्यूमन पावर जो है वो होप है, उम्मीद है, क्योंकि कोई भी और प्लैनेट में कोई भी जानवर या कोई भी क्रिएचर होप नहीं कर सकता, वो उम्मीद नहीं कर सकता, इट्स द अबिलिटी दैट ओनली वी आर बेस्टोड विद, ये सुपर पावर सिर्फ हमारे अंदर है, मोस्ट ह्यूमन पावर जो है हमारे अंदर वो ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं दोबारा से, चाहे हम कितनी बार भी अपने रास्ते में गिर जाएं, कितनी बार भी अपने काम को करते हुए हम ठोकरे खा लें या कुछ भी हमारे साथ हो जाए, वी स्टिल हैव द अबिलिटी, वी स्टिल हैव द फैकल्टी इन आर माइंड टू होप अगेन, कि हम दोबारा से होप अपने अंदर जगा सके कुछ भी करके। दिस इज वट द ओल्डर चार्ल्स इज टेलिंग द यंगर चार्ल्स टू होप अगेन, क्योंकि उस टाइम पे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में अभी कहा था, जो यंग चार्ल्स है वो उस टाइम पे बहुत एक रफ पैच से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत नाहिलिस्टिक अप्रोच का हो गया है, तो यही वो उसको कहने की कोशिश कर रहा है ओल्डर चार्ल्स एक्सेवियर, कि यू हैव टू होप अगेन, You have to hope again. Please, Charles, we need you to hope again. So, that's why he's saying that please, Charles, we need you to hope again. क्योंकि बिना चार्ल्स एक्सेवियर के अपनी होप को दोबारा उजागर करे हुए उस सेंटिनल प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता, उस प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता, मिस्टी को रोका नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। और अगर चार्ल्स एक्सेवियर अपने अंदर इस होप को दोबारा नहीं बनाएगा कि चीज़ें सुधर सकती हैं, कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ह्यूमैनिटी को दोबारा से सही पाथ पे लाया जा सकता है, तो उसके अंदर वो होप नहीं आएगा, तो वो कभी भी एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बिना होप के कोई एक्शन नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जिसको उम्मीद नहीं है कुछ अच्छा होने की, वो कभी भी एक्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई द ओल्ड चार्ल्स इज टेलिंग द यंगर चार्ल्स दैट यू हैव टू होप अगेन, वी वांट यू टू होप अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ आर ओन रेस, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रेस, फॉर द बेनिफिट ऑफ आर रेस, द रेस ऑफ एक्समैन, द रेस ऑफ म्यूटेंट्स। सो ये पूरा सीन है
और दिस इज द ब्यूटी ऑफ मूवी मेकिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, कि किस तरीके से कुछ चंद शब्दों में, कुछ चंद लाइनों में जिंदगी की इतनी बड़ी फिलॉसफीज को घुसा दिया जाता है या इतने अच्छे तरीके से उसमें पिरो करके हमारे सामने पेश कर दिया जाता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग एंड मूवी मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग फॉर दैट मैटर. एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई लाइक मूवी सीन्स लाइक दिस, बिकॉज अगर आप फॉर्मली फिलॉसफी पढ़ने के लिए जाओगे तो यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट. बट अगर आप कहीं ना कहीं आर्ट के थ्रू, मूवी के थ्रू, पेंट्स पेंटिंग के थ्रू, फोटोग्राफी के थ्रू, किसी भी आर्ट आर्ट फील्ड के थ्रू, किसी भी आर्ट जॉनर के थ्रू अगर आप फिलॉसफी को समझने की कोशिश करोगे तो आपको फिलॉसफी बहुत आसानी से और बहुत सीधे शब्दों में समझ आ जाएगी. स्पेशली जब आप स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टोरीज में एम्बेडेड होता है, स्टोरीज में फिलॉसफी को एम्बेडेड इस तरीके से किया जाता है कि वो जन साधारण को आसानी से समझ आ सके, कि वो एक नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल मास पब्लिक को अच्छे से वो चीजें समझ आ सके. सो दिस इज द वीडियो, यहां पे ये वीडियो खत्म होता है. अगेन चार्ल्स एक्सेवियर, द यंग चार्ल्स एक्सेवियर इज बैक और वापस वो अपने मिशन इज द वुल्वरीन, वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल. तो दिस इज द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो. और अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में और बनाऊं, देर आर टन्स ऑफ वीडियोज, टन्स ऑफ मूवी सीन्स एंड सीन्स विच आर आर्टिस्टिक एंड विच आर सो क्रिएटिव, एंड आई वुड लाइक टू रिएक्ट ऑन दोज एंड आई वुड लाइक टू ब्रेक डाउन दोज वीडियोज फॉर यू. सो इफ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट सच वीडियोज मोर एंड मोर, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. फ्रॉम दिस वीडियो, दिस इज इट, विल मीट in the next video guys. So till then, bye bye, take care, have fun, bye.